NH-19 में दर्दनाक सड़क दुर्घटना हुई। एक पिकअप वैन ने 3 छात्रा एक महिला को अपनी चपेट में ले लिया। महिला और 2 छात्रा की मौके पर मौत हो गई। एक गंभीर है। आक्रोशित लोगों ने GT रोड को पूरी तरह से जाम कर दिया। आपको बता दें कि धनबाद जिले के गोविंदपुर थाना क्षेत्र के फकीर डी चौक के समीप सोमवार की सुबह 6 बजे ये दर्दनाक हादसा हुआ। पिकअप वैन ने 3 छात्रा और एक महिला को अपनी चपेट में ले लिया। 2 छात्राओं और महिला की मौके पर मौत हो गई। घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने GT रोड को घंटों जाम कर दिया। घटना के संबंध में स्थानीय ग्रामीणों ने मीडिया को बताया कि 3 छात्रा और एक महिला सुबह 6 बजे ट्यूशन के लिए जा रहे थे। इसी दौरान एक तेज रफ्तार अनियंत्रित पिकअप वैन ने रोड के किनारे खड़े चारों को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे मौके पर ही 3 लोगों की मौत हो गई। बताया गया कि मौत हुए तीनों एक ही परिवार के थे और तीनों बहनें थीं, तो एक युवती गंभीर रूप से घायल है जो अभी इलाजरत है। घटनास्थल पर पुलिस भी उपस्थित है। दूसरी ओर घटना का जिम्मेदार झामुमो के धनबाद जिला सचिव मन्नू आलम ने NHI को ठहराया है। उन्होंने मीडिया के समक्ष कहा कि यदि आज फ्लाईओवर बना होता तो 3 युवतियों की मौत नहीं होती। फ्लाईओवर नहीं बनने से GT रोड मौत का सड़क बन चुका है और न जाने कितने लोगों की और जाने जाने वाली है। आक्रोशित लोगों ने मुआवजे को लेकर घंटों GT रोड को दोनों ओर से पूरी तरह से जाम रखा। जो घटना घटी यहाँ पे, क्या कुछ घटना थी, क्या जानकारी मिली सर? आज सुबह फकीरडी चौक पर बहुत ही दुखद घटना घटी है। जैसा कि पता चला है कि एक ही परिवार के 3 बच्चे स्कूल छोड़ने जा रहे थे, उसी टाइम में दुर्घटना, गाड़ी ने धक्का मार दिया, जिसमें कि 3 व्यक्ति का तो घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई और 2 व्यक्ति का इलाज अस्पताल में चल रहा है, जिसमें एक बहुत ही गंभीर हैं। जैसे सूचना प्राप्त हो रही है कि उनकी भी स्थिति ठीक नहीं है। सर, घटना के बाद लोग काफी आक्रोशित हो गए, जिसमें घंटों जो है GT रोड को जाम कर दिया गया था। मुआवजा को लेकर क्या कुछ रहा सर, ग्रामीणों और जो परिजन में वार्ता किया? देखिए, ये घटना इतना दुखद है कि इस संबंध में कुछ भी कहना सही नहीं होगा। लोगों का आक्रोश स्वाभाविक है। सुबह का समय था और बच्चे स्कूल जा रहे थे, उस टाइम में ये दुखद घटना घट जाना स्वाभाविक रूप से आक्रोश का कारण बनता है। तो इस आक्रोश में कुछ हुआ है, लेकिन उस संबंध में लोगों का नहीं, हम धन्यवाद देंगे यहाँ के गोविंदपुर के लोगों का कि उन्होंने बहुत ही शांति ढंग से और बहुत ही सहनशीलता और धैर्य के साथ काम लिया। सर, लोगों ने घटना की जिम्मेवारी सर NHI को ठहराया। उनका कहना है कि यहाँ पे जो है घर बैरिकेडिंग नहीं दिया गया, जिसकी वजह से घटना घटी। क्या कुछ कहेंगे सर इस संबंध में? हम लोग NHI से पत्राचार करेंगे, साथ ही साथ हम लोग पर्सनल अपने लेवल पर भी बात करेंगे और जो भी लोगों का कहना है उसको, जो त्रुटि है उसको दूर करने का प्रयास करेंगे। आज सुबह में 6:15 बजे की घटना है। 4 बच्चे, 3 बच्चे और माँ वगैरह खड़ी थी यहाँ स्कूल जाने के लिए। उसी समय एक गाड़ी जो है अनियंत्रित होकर के बाईं ओर आ गई। शायद ड्राइवर नींद में रहा हो, लापरवाही हुई उससे, और उसमें 3 स्पॉट डेड हो गए थे, एक अभी भी एक्सपायर कर गया, सूचना मिली है। बड़े हृदय विदारक घटना है और हम लोग जो भी बन सकता है, जो भी सरकारी प्रावधान है, कुल चार लोगों की मौत हुई है। बड़ी 3 बच्चे हैं, स्कूली बच्चे हैं और एक वयस्क महिला है। जो जानकारी क्या सरकार का प्रावधान है कि यदि यह गाड़ी भाग जाती, हिट एंड रन करके भाग जाती, तो भागने के बाद उनको 2 लाख रुपए का भुगतान होता सरकार की ओर से, लेकिन चूंकि गाड़ी पकड़ी गई है तो 1 लाख रुपए का तत्काल भुगतान होगा और इन लोग जो इंश्योरेंस क्लेम करेंगे वो इंश्योरेंस भी इन लोगों को मिलेगा, अच्छी राशि हो जाती है जो क्लेम करेगा। तो ये लोग परिवार के थे क्या, अलग अलग थे? नहीं, 3 एक परिवार के हैं और एक अलग होने की जानकारी मुझे मिली है, एक अलग परिवार से। रोड अभी जाम है, ग्रामीणों में उबाल है, क्या कुछ लोग? देखिए, यह समझना होगा कि रोड है, ऐसी घटनाएं चलती हैं और इस पर यहाँ के जनप्रतिनिधियों को विचार करना चाहिए। यहाँ फ्लाई ओवर या इन लोगों का विचार करना चाहिए, उस पर मैं नहीं कुछ कर सकता। अभी चुनाव का समय है, उस पर कोई टिप्पणी मैं नहीं कर सकता, लेकिन स्वयं को भी सावधानी बरतनी है, थोड़ा तरीका है। लेकिन घटनाएं कभी बता के नहीं आती हैं, दुर्घटनाएं ही होती हैं, है ना। सबका सहानुभूति है उन लोगों के साथ, पूरे परिवार के साथ हमारी सहानुभूति है। आवाज़, क्योंकि आप लोगों ने पूछा है तो मैं उत्तर दे रहा हूँ, बोलने की स्थिति में कोई नहीं होता है इन परिस्थितियों में।
मेरा नाम हुआ कुमार सत्यम भारद्वाज, अंचल निरीक्षक गोविंदपुर, और मैं कह रहा हूँ कि जो कुछ भी इन लोग की सरकारी प्रक्रियाएं हैं अविलंब हम लोग पूरी करेंगे। और बोलता हूँ जैसे ही फोन किया, मन्नान फोन किया था कि स्पॉट हो गया 3 ठो, तो समझ लीजिए कि आदमी ठीक से उठा भी नहीं था। आए तो देखे कि 3 स्पॉट हो गया है, 1 ठो तो इजलाजरत है। ये घटना इसका जिम्मेवार है NHI, ये हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। बार बार हम लोग कह रहे हैं कि मौत का कुआं है ये, हजारों लोग मारे गए इस GT रोड में। किस लिए मारे गए? फ्लाई ओवर नहीं बनने के कारण मारे गए। अब फ्लाई ओवर कौन रोका है? वही रोका है जो मालिक है, यानी सांसद, रेल, राष्ट्रीय राजमार्ग। नितिन गडकरी साहब बोलते बहुत पैसा है। कितने लोग मरने के बाद ये पुल बनेगा? कितना लोग चाहिए? आहुति देना पड़ेगा। ये एक तरह से आहुति है, बलिदान है। लोग मर के तब फ्लाईओवर बनेगा। हम सुने हैं कि सेंक्शन हो गया, अब सेंक्शन हुआ है, बनेगा। अब बनने के लिए लोग नहीं दिया, चौड़ाईकरण नहीं हुआ, इसीलिए दुर्घटना घट रहा है। ये दुखद है। हम लोग मांग करते हैं राज्य सरकार से, केंद्र सरकार से, कि स्पॉट में व्यवस्था हो, जो भी क्षतिपूर्ति हो स्पॉट, ऑन द स्पॉट। ये जो खाना पूरी पोस्टमार्टम होगा, रिपोर्ट आएगा, ब्लॉक के चक्कर लगाने में लोगों का बहुत समय लग जाता है। स्पॉट हो, ऐसा कानून बने कि हमारे अधिकारी लाके नगद पैसा दे दे, और इंश्योरेंस का क्लेम अच्छा खासा होना चाहिए। हालांकि गाड़ी इंश्योर्ड है जो गाड़ी मारा है। दुखद है, बहुत दुखद घटना है। घटना में कहा जा रहा है कि एक ही परिवार के 3 जो है युवतियां शिकार हुई है। हाँ, ये जानकारी, है कि परिवार से लोग हैं, और बहुत दुखद है। इसको हम क्या कहें, आपके माध्यम से हम कहेंगे संयम बरते, इन्नल्लाह मा साबरीन, सब्र करें, और सब्र करेगा तो अल्लाह ताला इसका उजर देगा, और हमारे पास कोई उपाय नहीं। ये दुखद है। मुआवजा क्या कुछ दिया? 4 लाख रुपया, 1-1 परिवार को 4 लाख, 1-1 करके 1-1 राज्य सरकार देगी आपदा प्रबंधन से, और इंश्योरेंस का जो पैसा मिलेगा वो सबको अलग अलग मिलेगा। अगर फ्लाईओवर नहीं बनते तो आप लोग की क्या आगे प्रक्रिया रहेगी? देखिए, केंद्र सरकार का मामला, ये रोड जहाँ हम खड़े हैं, ये NH2 कहते हैं। स्थानीय नेता होने के नाते 50 बार आपके माध्यम से बोले हैं। हम सुने हैं कि टेंडर हो गया, सुने हैं तारा होटल से लेके कौवा बांध तक फ्लाईओवर बनेगा। पुलिस सहयोग कर रही है, पुलिस शुरू से आके अभी खड़ी है, पुलिस हर तरह का सहयोग कर रही है, प्रशासन के लोग भी खड़े हैं, मगर जो प्रावधान है, सरकारी नियम है, उनको उसी दायरे में चलना पड़ेगा। अगर हमारा और आपका गाड़ी होता तो हम लोग कर लेते, बिहार का गाड़ी है। सब उठाई है कि नहीं? सब रखा हुआ है, लोग लगभग सहमत है। कब तक सब रहेंगे यहाँ पे? अब उठा लिया जाएगा, गाड़ी लाने के लिए गया। इसे आप एक आपदा मानेंगे या फिर लापरवाही मानते हैं? ये लापरवाही है, लापरवाही।